भारत माता की जय। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय उल्लास का दिन है जो इस अवस्था में मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी उम्र 87 साल में चल रही है। अध्ययन मेरा काम था, देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। इस क्षेत्र में जितने भले आदमी मैंने देखे ने, मैंने नहीं देखे, मैं इधर भी नौकरी करके गया हूँ पागी तहसील में जी। और खूब पानी पिया रही यहाँ का, खूब बाटी क्या नाम लाडू और चने की दाल, बालपर चने की दाल खूब खाए मैंने इधर। तो ये इलाका बहुत अच्छा है। और इस इलाके में मेरे 3 बेटे से 2 और हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 और जुड़ गए, एक जुड़ गया क्या नाम गर्ग श्याम सुभाष जी गर्ग, और दूसरा हेमराम जी खंडेलवाल, ये 2 मेरे साथ में लग गए। तो मैं तो और उससे ज़्यादा क्या प्रसन्नता करूँ, 3 की जगह 5 सेवा कर रहे हैं मेरे तो। और धन्यवाद आपको, ये 3 मिल करके प्रेम से करना ये काम है जो इसमें आप सीरी हैं आपस में, हमेशा प्रेम से रहना और किसी प्रकार हिसाब किताब बिल्कुल सही रखना, एक एक पैसे का हिसाब सही रखना, ये इसी जगह आदमी गड़बड़ी हो जाती है, समझे नहीं? इसी जगह आदमी मरता है। सीर भाई का भी बुरा और दोस्त का भी बुरा, और वैसे आम आदमी का अच्छा निकल जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ईमानदारी से काम करो, आपका रिसोर्स ऐसा चलेगा और भागेगा, ये मेरा आशीर्वाद जो है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो बाबू जी ने पूरा आशीर्वाद दे दिया और खूब सारे। डॉक्टर साहब आप भी बधाई। आज पारस रिसोर्ट रेस्टोरेंट किड एरिया में आज इसके उद्घाटन प्रोग्राम की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आर के गुप्ता जी, खंडेलवाल जी, गर्ग साहब को, कि आप जैसे बुद्धिमान और अच्छे संपर्क वाले ने यहाँ पर ये रिसोर्ट खोला है इस एरिया के अंदर। तो इससे क्या है कि जो यहाँ के लोग पलायन करके जयपुर या बाहर और जगह जाया करते थे, यहाँ की अपनी एनर्जी अपने फाइनेंस को अपने पैसों को दूसरी जगह लगाते थे, तो ये आसपास ही इस तरह के रिसोर्ट अगर बनता है तो इससे अपने यहाँ की आम जनता को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, मनोरंजन के लिए भी, बच्चों के लिए, उन सब के लिए। मैं सबको मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप इसको फल फुलित करें। मेरा नाम किशन चौधरी है, पास का एक गाँव है पलई, और ये निर्माण मेरे हाथों से करवाया, कोशिश की है बढ़िया से बढ़िया करने की, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो आप सुझाव दें। किशन चौधरी सरपंच साहब पले वाले श्री राम जी का छोटा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्यार प्रेम स्नेह अच्छा है और बहुत ही बढ़िया, इनका जैसे परिवार किया जैसा मेरा व्यवहार किया, काफ़ी मदद की अच्छा से अच्छा बनाने में, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमराज जी, गर्ग साहब, गुप्ता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा लाल जी बैरवा मैनेजर साहब से निवेदन करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। मैं हीरा लाल बैरवा पारस रिसोर्स के सभी संचालक महोदय को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये स्थान इन लोगों ने जो आप लोगों ने चुना है बहुत ही प्यारी जगह है, सड़क के किनारे है, दूर कहीं जाना नहीं पड़े, अप्रोच सीधा है। और इसके लिए जो आपने चुना है, जगह चुना है, उसके लिए मैं मेरे परिवार के लिए, परिवार से, मित्रगणों की ओर से, और विशेषकर विकास समिति सेक्टर 10 की तरफ से, जयपुर के सभी कर्मचारियों, मेरे संचालक सभी कर्मचारियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कैसे मित्तल साहब हमारे गर्ग साहब के परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, अभिनंदन। आगंतुक सभी व्यक्ति और इसको बनाने वाले मेन उन सभी का मेरे को बहुत खुशी है कि इतनी ज़्यादा एक अच्छी जगह पर और एक प्रोग्राम रखा है, और इस प्रोग्राम के कारण ये जगह भी उन्नति होगी और हमारे गर्ग साहब को खास तौर से एक प्रसन्नता युक्त वातावरण मिलेगा। इनको रिटायरमेंट के बाद एक हार्दिक इच्छा थी कि ऐसी जगह पर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, आज इनकी इच्छा की शुरुआत हो गई है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए। हमारे हरि सिंह जी आए जयपुर से, आप भी अपना एक्सपीरियंस। आज इस पारस रिसोर्सेज के उद्घाटन के समारोह पर मैं सभी को, गर्ग साहब को, खंडेलवाल साहब को और गुप्ता जी को, सभी 3 ही पार्टनर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कहते हैं कि
एक और एक 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक 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 111 हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस दिन बहुत अच्छा अंक है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिज़ाइन दी है, ये जयपुर के एक फोर्ट रेस्टोरेंट है वहाँ की डिज़ाइन दी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, वो यहीं पर रुक जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। इसलिए पुनः मैं तीनों ही पार्टनर्स को सब बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये अच्छी तरह से चलेगा ही नहीं, ये बहुत बहुत दौड़ेगा और ये इसमें इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा, पारस रेस्टोरेंट। जब रिटायरमेंट हुआ था हमारे गुप्ता जी का और गर्ग साहब का, तो हमने इन्हें शुभकामनाएं दी थी दूसरी पारी की, वो दूसरी पारी असलत में आज शुरू हुई है। उस समय हमें नहीं पता था ये दूसरी पारी इस भव्य तरीके से आगाज़ करेंगे, इस भव्य तरीके से शुरुआत करेंगे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो इन्होंने काम हाथ में लिया है ना, दरअसल केवल ये रेवेन्यू अर्निंग नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, ये संतुष्टि का काम है। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि का काम है। जो भी यहाँ आता है वो कितना संतुष्ट रहता है, इस बात के ऊपर इसका चलना निर्भर करेगा। और इन लोगों के व्यवहार में तो कोई अतिशोक्तिपूर्ण बात है ही नहीं, व्यवहार तो इनका बहुत अच्छा है ही। और इन्होंने जो कुक यहाँ रखे हैं उनसे मेरा परिचय हुआ है, बहुत मृदुभाषी है स्टाफ। मुख्य चीज़ ये जो काम है, सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर की सफलता पूरी तरह से इनके व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है। तो तीनों का व्यवहार, स्टाफ का हम देख ही रहे हैं, और जो इन्होंने कुक नियुक्त किए हैं, कुक की कुशलता, इन तीनों के ऊपर निर्भर है। और अभी जो मेरी अभी तक जो मैंने रीडिंग की है इनकी, वो तीनों में ही अभी सर्वश्रेष्ठ हैं। और बहुत शुभकामनाएं देता हूं इनको, सफल हो और हम भी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सम्माननीय मुरली जी भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा कि सम्मान श्री मुरली जी मीणा, जो वर्तमान में पंचायत समिति के ऑनरेबल सदस्य भी हैं, मुंडिया और गुंसी गांव की इस पावन भूमि पर हमारा सौभाग्य है कि कुछ समय पहले एक जैन मंदिर, जो मुझे लगता है कि निवाई नहीं पूरे ज़िले में इतना बड़ा मंदिर है, और उसका जो स्थान का चयन इस निवाई गुंसी मुंडिया की ज़मीन पर हुआ, उसके बाद में एक रिसोर्ट के रूप में हमें गुप्ता जी ने, गर्ग साहब ने और खंडेलवाल साहब ने एक ऐसा स्थान दिया है जो हमारे गुंसी और मुंडिया के क्षेत्र का विकास करेगा, साथ उसका नाम भी एक रोशन करेगा। कोई भी अगर इधर से गुजरता है तो पहले पूछते हैं कि कौन सा स्थान है, किस जगह का है जहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, ये कौन सा रिसोर्ट है, ये कौन सा गांव है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से हमारे गांव मुंडिया गुंसी को बहुत बहुत लाभ मिला है। इसके लिए मैं खंडेलवाल साहब को, गर्ग साहब को और गुप्ता जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस स्थान को चुना। आपका जुड़ाव हमारे से बहुत लंबा है, पूर्व में भी मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले मुंडिया में रखे गए, रिटायर होने से पहले भी मुंडिया में रहे हैं, और उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार आसपास के क्षेत्र में, लोग जब बैंक में आते हैं या कभी अधिकारियों की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका नाम चर्चा में आता है कि गुप्ता जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। वो कभी भी एक आधिकारिक रूप में काम नहीं किया, उन्होंने एक मित्रता के नाते एक किसान को किस तरह से ट्रीट करें, कोई अगर कोई पीड़ित आ रहा है तो किसे सहयोग करें, तो निश्चित रूप से उनके जो इन्होंने इस पब्लिक का मान सम्मान किया है, जो इस क्षेत्र में काम किया है, तो इस पूरे पारस रिसोर्ट को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, लोगों का आत्मीय जुड़ाव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, राम राम सा, जय श्री लाला बाबा की जय जिनेन्द्र। गुंसी मुंडिया में NBC के सामने पारस रिसोर्ट का उद्घाटन हुआ है आज, और पारस रिसोर्ट में रेस्टोरेंट है जो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा। ये किड्स एरिया है जहाँ पर गार्डन के रूप में सारी फैसिलिटीज़ है, और पीछे स्विमिंग पूल है। आज यहाँ पर जैन साध्वियों विद्याश्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है, और ये इस पारस रिसोर्ट के तीनों ऑनर हैं, सम्माननीय सुभाष जी गर्ग साहब हैं जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, ये हेमराज जी खंडेलवाल हैं जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस आइडिया के आदमी हैं, और ये हमारे RK गुप्ता जी हैं जो बैंक मैनेजर से रिटायर हुए हैं। तीनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपने अपने रिटायरमेंट के बाद एक नई पारी की शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट लिया है, वो नई पारी की शुरुआत सेल्फ सेटिस्फिकेशन के रूप में लिया है।
आदमी अपनी संतुष्टि के लिए, और क्योंकि जीवन में इन्होंने अपनी जो राज्य की सेवाएं दी है बैंक को और अलग अलग क्षेत्रों में, वो अर्न तो काफ़ी किया, लेकिन उस अर्न के साथ एक और एंजॉय के साथ में सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो, तो ये एक कॉमर्शियल पॉइंट के साथ साथ एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन का, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसको पूरी तरह नेचुरल थीम पर रखा गया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है जो किशन जी ने किया है वो भी पूरी तरह नेचुरल है, आप देख सकते हैं। दूसरा, ये पूरी तरह शुद्ध वातावरण में बिल्कुल मेन अप्रोच हाईवे पर है, तो इधर निवाई से आएंगे तो वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर मुंडिया क्रॉस होने के बाद गुणसी और मीडिया का मिडवे है, और इधर जयपुर से आते हैं तो जयपुर का आप जो आउटरीच जो टूरिज्म बढ़ रहा है, तो डेस्टिनेशन पार्टी के हिसाब से एक प्रॉपर तरीके की जगह है। और बाकी क्या क्या सुविधाएं हैं वो सम्मानित सुभाष जी बता देंगे, और किस थीम पर इसको बनाया गया है, किस तरीके से संचालन होगा। धन्यवाद त्रिपुरा जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान किया। और जैसा कि हमारे त्रिवेदी ने बताया था कि हमने एक कोशिश की है, तीनों रिटायर्ड आदमी ने, एक शुद्ध वातावरण में कुछ करने की, अपना टाइम पास करने की। हमारा उद्देश्य कोई व्यापारिक नहीं है, सिर्फ एक टाइम पास करके एक सेवा के रूप में लोगों को मैसेज देना है। और जैसा कि हमारे पाठक जी ने बताया था कि हम सब एक रिटायरमेंट के बाद मिलजुल कर रहे हैं, हमारे जितने भी आदमी हैं वो सब मिले यहाँ बातचीत करें, और आप सब पधार कर हमें मौका दें, धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये अपने आप में, अब जो दुनिया की जो प्रगति का पैमाना है वो पैसा ही नहीं होगा, पैसे के साथ में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस इंडेक्स, तो एक तरह से ये इनका जो जॉब है नई पारी, ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है। हेमराज जी वैसे कम बोलते हैं ये, लेकिन आप शुभकामनाएं दें कि सब आए, धन्यवाद, और अच्छे तरीके से चलाएंगे। सबसे पहले मैं आए हुए सभी आगंतुकों को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो ये रिसोर्ट है बड़ी ईमानदारी से और बढ़िया सुविधाओं के साथ संचालित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये हमारे आर के गुप्ता साहब हैं। गुप्ता जी, क्या कुछ खास विशेष हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बढ़ाएंगे, लोगों का बढ़ाएंगे, किस तरीके की एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे? पारस रिसोर्ट फैमिली की ओर से मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा कोई ऐसा कॉमर्शियल कार्य प्रारंभ करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन चूँकि मैं पास में ही मुंडिया 2 साल बैंक में यहां ब्रांच हेड के तौर पे काम किया, उसी दौरान मेरी हेमराज जी, एक हमारे ई मित्र थे मोहन जी, उनसे संपर्क हुआ। इनकी इच्छा ये थी कि अपन मिलजुल के एक छोटा मोटा एक ज़मीन लेके और एक छोटा सा रिसोर्ट बनाएं। तो हम तो इसको एक फार्म हाउस के तौर पे देखा था, लोग बाग फार्म हाउस भी बनाते हैं तो अपन तो अपना वैसे एंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन ये दोनों ही पर्पज हो गया, आप लोगों की सेवाएं भी करेंगे और हमारा एंजॉयमेंट भी करेंगे। प्रॉफिट का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, इस एरिया में का नमक खाया है तो इसने एरिया में सेवा, ये इस तरह कार्य करने का मेरा इच्छा थी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मना पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पे ये चलने वाला है, नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी स्थिति में चलेगा, और निश्चित रूप से कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को सुविधाएँ मिलेगी, और एक अच्छा स्वस्थ वातावरण में शुद्ध पौष्टिक जो अभी रेस्टोरेंट है, तो भोजन, नाश्ता, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सभी की सुविधाएं रहेगी। तो जब भी आप टोंक रोड से निकले तो ज़रूर पारस रिसोर्ट को विजिट करें। हमारे एमएल गुप्ता साहब से, जो मेरे एक तरह से व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से गार्जियन हैं, और इनको बिजनेस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपने कई लोगों को सामान्य व्यक्ति से बड़े बिजनेसमैन, बड़े एंटरप्रेन्योर बनाया है, तो आपके तीनों जो भाई हैं वो एक तरह से छोटे भाई हैं, तो आप उनको भी शुभकामनाएं दीजिए और एक अच्छे रिसोर्ट संचालन की आप एक शिक्षा भी दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, यहां जो पधारे हुए बैंकर साथी हैं और मेरे छोटे भाई के जो दोस्त लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे पिताजी के जो संस्कार हैं उसमें सेवा भावना और आगे कुछ अच्छा नया करने की एक जो जोश है वो हम तीनों में ही है, और उसी श्रृंखला में दो और दोस्त हमारे को मिले, भाई गर्ग जी और खंडेलवाल जी, तो एक नए कंसेप्ट। मैं भी एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में ही हूँ, बैंक से रिटायर होने के साथ साथ ही एक गर्ल्स का हॉस्टल मैं रन करता हूँ, जिसकी 125 बेड कैपेसिटी अभी है और अभी करीब 80 बेड की कैपेसिटी और एक्सपेंशन इसकी चल रही है, मार्च से कम्प्लीट हो जाएगा।
तो हम भाइयों का एक जोश है, उत्साह है कि कुछ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अच्छा करें, नया करें, और उसी श्रृंखला में ये जो पारस रिसोर्ट है ये डेवलप किया है। मैं समझता हूँ कि ये अपनी ऊंचाइयों को छुएगा और अपने नए आयाम को अर्जित करेगा। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।